बेगूसराय में चोरों का उत्पात इन दिनों सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसे में बात की जाए लोहिया नगर की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहिया नगर के नदी द्वीप के समीप में, जो लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और ये मकान संजीव सिंह का आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा यहाँ की तस्वीर दिखाए। और उनके घर में चोरों ने तकरीबन रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उत्पात मचाया है। और तकरीबन कुल मिलाकर 25 से 30 लाख की सामान की चोरी की है, और ऐसे वेशभूषा में चोरी की है, इसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। बहरहाल हम आपको भीतर लिए चलते हैं, कहां कहां चोरी हुई है उस तस्वीर को भी दिखाएंगे। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे, तमाम लोग स्थानीय यहाँ मौजूद हैं, उनके आवास पर सबों के दिल में, सबों की दिमाग में यही बात चल रही है कि लोहिया नगर में तकरीबन 6 महीने में विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह की वारदातें सामने आई है चोरी की, और पुलिस इस मामले में अब तक समुचित रूप से सक्रिय दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि लोगों की हुजूम इस वक्त काफ़ी तादाद में दिखाई दे रही है, और लोग तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू कर दिए हैं। मैं आपको भीतर लिए चलता हूं, यहां कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से गमगीन माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से यह तस्वीर कुछ कहने को बेबस है। हम महिलाओं से भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चोरों ने उत्पात किया है और क्या क्या यहाँ जो है सो चोरी की है। क्या कहिएगा आंटी? क्या कहेंगे, सब कुछ ले लिया समूह, क्या कहेंगे। हम लोग सोए हुए थे रात में, 12 बजे तो हम लोग सोवे किए थे, उसके बाद कब घुसा क्या किया पता नहीं। सामान क्या चोरी, सब जेवर जितना था सब ले लिया। पैसा था 5 लाख रुपया कैश था, वो भी ले लिया। उसके सुबह जब हम 5 बजे उठे तो देखे तो गोदरेज खुला हुआ था, तब हम देखे तो पूरा सामान सब खाली था। हमारे यहाँ 11 बजे हम आए थे, बेटा 12 बजे आया, खाना उना खा करके सो गए। उसके बाद चोर घुसा है 1:30 बजे, जैसे सीसी फुटेज से आ रहा है। ऐसे तो हम जगे हुए नहीं थे, सोए हुए थे। यही पोता हमारे बीच में सोया हुआ था, उधर वाइफ सोई हुई थी। ताला तोड़ करके, अब क्या डाला जो हमारा नींद नहीं खुला, ताला तोड़ करके पैसा रुपया लिया, 5 लाख रुपया, जेवर लिया, और उसके बाद रिवॉल्वर लिया, उसका गोली लिया, लेकर के फिर ऊपर गया। ऊपर में भी एक गोदरेज तोड़ा, उससे सोना जो भी था उसमें जेवरात वो निकाला, निकाल करके उसके बाद वो चला गया 2:30 बजे। इस बीच कितने लागत की होगी? लागत 29-30 भर करीब सोना होगा जी, 5,60,000 रुपया हमारे जेब में था, बाहर में पेंट रखा हो उसमें 60,000 रुपया था, 5 लाख के करीब अलमारी में था जी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माहौल बन कैसे रहा और प्रशासन कर क्या रही है बेगूसराय। संजीव सिंह के यहाँ जो चोरी की घटना है, यह एक सिर्फ मात्र घटना नहीं है, कहीं कहीं पुलिस की विफलता है, कार्यशैली पर प्रश्न बात उठ रहा है। मैं बार बार वरीय पदाधिकारी के संपर्क में हूँ, अपराध नियंत्रण का क्या तरीका होना चाहिए उस पर भी मैं प्रकाश डालता हूँ, लेकिन फलाफल शून्य है। कहीं कहीं पुलिस तंत्र जो है, जो तकनीकी चोर हैं, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, और जो लोकल पदाधिकारी हैं वह छोटे मोटे कामों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, उससे ऊपर अपने को उठा ही नहीं पाते हैं। कि बेगूसराय में चोरी हत्या की घटना जो है वो आम हो गया, और पुलिस प्रशासन इसके अनुसंधान में पूर्ण रूपेण बेगूसराय जिला के विफल है, और यहाँ का थाना पुलिस सारे लोग, और यह लोहिया नगर जो थाना है, टाउन थाना है, ये सब जगह जाइए 10 बजे रात में, शराब बेचने वाला जितना लोग है सब जगह बैठा मिलेगा, सबका पुलिस से साठ गांठ है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के तेज तर्राक SP योगेंद्र कुमार, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि तमाम समस्याओं के बाद पुलिस हर चीज़ों का बड़ी सख्ती से निष्पादन करती है, फिर भी अपराधी इन चीज़ों से बाज नहीं आते हैं, और ऐसे में आज फिर लोहिया नगर में इस ढंग की वारदात हुई है। ऐसे में क्या कहेंगे सर, किस ढंग से अपराधियों पर नकेल कसा जा सकता है? आज हम लोग को सुबह सूचना मिली थी, पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई थी, CCTV कैमरा को खंगाला गया है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फुटेज हम लोग को मिले हैं, और भी वहां पे काफ़ी अहम सबूत मिले हैं। FSL की टीम को भी बुलवाया है, डॉग स्क्वाड को भी बुलवाया है, तो मैंने STPO के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, जल्दी इस केस का उद्भेदन किया जाएगा। तो पूछताछ में हम लोग को काफ़ी चीज़ें मिली हैं,
और जैसे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक स्वर्णकार के यहाँ चोरी हुई थी, तो पुलिस ने पूरा जो माल था, ज्वेलरी थी, वो सब बरामद कर लिया था। इस केस का भी जल्दी उद्भेदन किया जाएगा। बहरहाल लोगों का आरोप प्रशासन पर लगता रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो वादे किए हैं उन वादों में कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।